मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों, अप्रैल 2017 कैसा जाएगा आपका और हमारा, उसके लिए जानते हैं सबसे पहले अप्रैल में क्या है आप सभी के लिए खास। देखिए, 8 अप्रैल को शनि प्रदोष व्रत है, जो शनि की ढैया, शनि की 7.5 या स्पेशली शनि के प्रकोप से छुटकारे के लिए श्रेष्ठ है। वहीं 24 अप्रैल को सोम प्रदोष व्रत है, जो घर में सुख शांति समृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इन दोनों ही व्रत के लिए आप शाम को 5 से 7 बजे के बीच में बिना नमक के एक टाइम अगर उस दिन खाना खाते हैं तो इन जो प्रकोप है उनसे छुटकारा मिलता है और मानसिक शांति और शनि के प्रकोप से छुटकारा मिलेगा। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाना न भूलिए और 3 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है, 5 अप्रैल को रामनवमी है, 11 अप्रैल को हनुमान जयंती है, वहीं 22 अप्रैल को वरुधिनी एकादशी व्रत है, 28 अप्रैल को परशुराम जयंती है और अक्षय तृतीया का पर्व भी है, साथ में केदारनाथ के पट भी खुलेंगे, 30 अप्रैल को आद्य गुरु शंकराचार्य की जयंती भी है। अप्रैल महीने में अगर आपके या परिवार में आस पड़ोस में कहीं कोई बच्चा पैदा होता है और वो 6, 7, 16, 17, 25 और 26 तारीख को पैदा होता है तो मानना होगा कि वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जो कि अशुभ भी हो सकता है। उसकी शांति ठीक 27वें दिन जब वही नक्षत्र वापस आते हैं तो करना जरूरी होगा। अप्रैल महीने में अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, शुभ या मांगलिक कार्यों की खरीदारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए शुभ नक्षत्रों और ग्रहों के कॉम्बिनेशन के आधार पर मैंने कुछ डेट्स डिसाइड की हैं, जो आपको अगर उसका उपयोग करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 3, 4, 5, 7, 8 तारीख आपके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन 24 और 26 तारीख को ये सारे काम आप नहीं करें तो अच्छा रहेगा। वहीं आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज धनु राशि से कि अगर आपकी राशि धनु है तो कैसा रहेगा अप्रैल 2017 का राशिफल। शुरुआत करेंगे कि उस दिन यानी इस महीने का ग्राफ आपका क्या कहता है। हेल्थ एंड वेल्थ डामाडोल हो चुकी है, यानी 50% तक आ चुकी है। वही बिजनेस और करियर थोड़ा सा बेटर है, 60% के आसपास है। फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो है वो सबसे बढ़िया परसेंटेज 70% के आसपास आ रहा है, लेकिन बिजनेस एंड बजट डामाडोल है। तो कुल मिलाकर यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इसे सबसे पहले मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से समझाता हूं कि क्या कुंडली इस वक्त आपके लिए बन रही है धनु राशि के लिए। अप्रैल की कुंडली ये देखिए, 9 नंबर से कुंडली शुरू होती है। धनु राशि में शनि विराजमान है, कुंभ राशि में केतु, वहीं मीन राशि में सूर्य शुक्र, जिसमें सूर्य 14 अप्रैल को अपनी राशि बदलेंगे और 12 से निकलकर 1 यानी मीन से मेष उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं। वहीं मंगल और बुध रहेंगे पंचम भाव में, वो भी मेष राशि के मंगल है, वो वृषभ राशि में ट्रेवल करेंगे 13 अप्रैल को। साथ ही साथ भाग्यस्थान में राहु और 10th हाउस में देवताओं के गुरु बृहस्पति रहेंगे। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा कैसा रहेगा, इससे डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ एंड वेल्थ की। देखिए, आपकी राशि में विराजित धन व पराक्रम लॉर्ड शनि व राशि के लॉर्ड गुरु विराजित हैं 10th हाउस में। इस महीने आपके पास हेल्थ एंड वेल्थ दोनों रहेगी, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, आपके दान पुण्य व परोपकार के जो किए गए काम है वो कीर्ति फैलाएंगे, धन आगमन के एक न एक स्रोत बनेंगे, कम प्रयास में ज्यादा काम मिलेंगे। आप मेडिटेशन अवश्य करें और साथ में इस महीने सीजनल बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए बीमारी का ग्राफ हमने कमजोर बताया था। साथ में कोशिश करिए कि आप अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए ओम का उच्चारण, जो भ्रामरी प्राणायाम होता है, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। इससे आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी, जिससे आपकी वेल्थ बढ़ सकती है, आपको अपने आप ही ऊर्जा आएगी और आपकी वेल्थ की तरफ आपको लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो कमजोर स्थिति बन सकती है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको स्थिति को बेहतर करना है या नहीं करना है। बढ़ते आगे एजुकेशन एंड करियर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स टाइम की कद्र नहीं कर रहे हैं, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बेहतर है कुछ छुपाए बिना ईमानदारी से कोशिश करें और पढ़ लिखकर कामयाब बनेंगे तो आप ही बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा। करियर में काफी सेटिस्फेक्शन तो है, पर हायर अथॉरिटी यानी उनकी नजरों में आपकी जो अहमियत है वो थोड़ी सी कम हो रही है। आपके प्रमोशन की पूरी संभावना है, मनचाही पोस्टिंग आपको मिल सकती है, पैसे के अलावा भी स्टेटस इंप्रूव होगा। हो सकता है आपकी नौकरी चेंज करने में आपको नौकरी का ऑफर भी मिल जाए, लेकिन आपका पुराने बॉस आपका प्रमोशन करके उस नौकरी से भी आपको बचाया जा सकता है। आपको बहुत क्रेडिट मिल सकता है, जहां भंडारे चलते हैं वहां पर रसोई के बर्तन या खाद्य सामग्री भेंट करने से इस महीने आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। कुल मिलाकर बेहतर स्थिति रहेगी। वहीं फैमिली एंड फ्रेंड्स का क्या हाल है, देखिए सुख भाव में जहां 12 नंबर लिखे हुए मीन राशि के शुक्र उच्च राशि के,
मालव योग घटित कर रहे हैं, यानी इस महीने गाड़ी मकान सुख सुविधाएं कंफर्टेबल जिंदगी बढ़ने वाली है। कोई भी ऐसे सपने हैं तो उसे तुरंत प्रभाव से साकार करने के लिए इनिशिएटिव लीजिए, आगे बढ़िए। हस्बैंड वाइफ और फैमिली सभी में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग व बहुत सारा जो एंजॉयमेंट का जो काम है वो बढ़ने जा रहा है। इंटीरियर आप अपना अच्छा कर सकते हैं। आने वाले वक्त में गर्मी की छुट्टियों में बाहर जाने के लिए प्लान और साथ में टिकट्स वगैरह बनाना, अपनी योजनाएं बनाना और सारे होटल बुकिंग करने के काम से आपके घर में एक वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। नई गाड़ी आने के योग बन रहे हैं, बात करना बंद करिए, गाड़ी की जो है उसकी प्लानिंग शुरू कर दीजिए। फैमिली के साथ हॉलीडे आपको मनाना जरूरी चाहिए, इसकी बातें आप नहीं कर रही हैं। इस महीने आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी, जिस वजह से आप अपने माता पिता पूरे परिवार के सहित एक अच्छे रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे। बढ़ते आगे हमारे अगले विषय की तरफ। अब बात करते हैं अप्रैल 2017 में धनु राशि का बिजनेस एंड बजट का क्या हाल है। शनि की साढ़े साथी का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। शनि शनि चले जो शनिश्चर, व्यापार में आपका कोई सानी नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, मेहनती भी हैं, सब आपका लोहा मान रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और बेहतर करनी चाहिए। मैनेजमेंट और अपनी अकाउंटिंग पर ध्यान देना जरूरी है, वरना नुकसान होगा। स्टार्ट करने के लिए, जो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो प्लान्स की आप सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने का समय अब आ चुका है। इस महीने सेल्स, परचेसिंग, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी और साथ में ट्रैवलिंग पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बेहतर बनाएंगे, थोड़ा सा और मोडस ऑपरेंडी तैयार करेंगे, थोड़ा सा और मैनेजमेंट स्किल को अपने डेवलप करेंगे तो अच्छा रहेगा। मीडिया, ICT और दूसरे टेक्निकल फील्ड में ग्रोथ के अच्छे चांसेस बन रहे हैं, इनके शेयर भी आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। बिजनेस एंड आपके लिए जो किसी प्रकार का आप जो विश्लेषण करते हैं और जो बजट के लिए आप एक मैनेजमेंट और एक मोडस ऑपरेंडी तैयार कर रहे हैं, उसका तालमेल आपको ठीक ढंग से करना होगा, तभी जाके आप सेविंग भी बेहतर कर सकते हैं, बजट अच्छा बना सकते हैं। जो पैसा बच रहा है उसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड और साथ में आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। काफी हद तक स्ट्रांग सपोर्ट इन सब चीजों से आपको मिल सकता है। कोशिश करें कि गौशाला में आर्थिक मदद दीजिए, वो ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा बैम्बूज और मनी प्लांट लगाइए या उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी और को लाभ मिल जाएगा। तो ये था धनु राशि वाले लोगों का राशिफल अप्रैल महीने का। अब बात करते हैं कि अगर आपकी राशि मकर है तो कैसा रहेगा अप्रैल 2017 का राशिफल आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने का ग्राफ आपका कैसा रहेगा। हेल्थ एंड वेल्थ 60%, लेकिन एजुकेशन का जो ग्राफ है और करियर का ग्राफ है वो डामाडोल है। फैमिली एंड फ्रेंड्स थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन सबसे बढ़िया बिजनेस एंड बजट का हाल रहेगा मकर राशि वाले लोगों का अप्रैल 2017 के महीने में। शुरुआत करते हैं कि इस महीने मकर राशि वाले लोगों की कुंडली का हाल क्या बन रहा है और कौन से प्लैनेट पोजीशन चेंज कर रहे हैं। यहां पर देखिए, मकर राशि सेकंड हाउस में केतु विराजमान है, थर्ड हाउस में सूर्य और शुक्र विराजमान है, जिसमें सूर्य अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं 14 अप्रैल को मीन से मेष की तरफ। वहीं मंगल और बुध फोर्थ हाउस में, जिसमें मंगल अपनी पोजीशन चेंज करेंगे 13 अप्रैल को फोर्थ हाउस से निकलकर फिफ्थ हाउस में। एज यूजुअल राहु एट्थ हाउस में रहेंगे और ट्वेल्थ हाउस में शनि विराजमान है, भाग्य स्थान में बृहस्पति विराजमान रहेंगे। शुरुआत करते हैं हेल्थ एंड वेल्थ की। देखिए, आपके राशि के जो लॉर्ड है वो शनि विराजमान है व्यय भाव में, खर्च भाव में। हेल्थ पर कुछ खर्चा अवश्य कराएंगे, ऑपरेशन की संभावनाएं बन सकती है, हड्डियों में तकलीफ, हड्डियों में चोट लगना, फ्रैक्चर होने की स्थिति बन सकती है। एट्थ में विराजित राहु देव बहुत वीकनेस फील करवाएंगे, एक अननोन फियर बना रहेगा। सात प्रकार के अनाज से तुला दान करने से आपको लाभ मिलेगा। शाम के समय घर की देहरी पर दीप दान करिए। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव, आय में कमी, पैसा रुकना और कहीं पैसा फंसना, नुकसान और धोखे जैसी संभावनाएं बन रही है। इस महीने आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मछलियों को दाना देने से आवक अच्छी बन सकती है और नजर से आपको छुटकारा मिल सकता है। कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम देने वाला यह महीना रहेगा। एजुकेशन एंड करियर की बात करते हैं। देखिए, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए समय कुछ हद तक ठीक कहा जा सकता है। हायर स्टडीज में स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करने वालों के लिए टाइम अनुकूल रहेगा। डिस्टेंस एजुकेशन वालों को विशेष फायदा मिलेगा। मैनेजमेंट, होटल, टूरिज्म और आर्ट के स्टूडेंट विशेष सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। सरस्वती चालीसा पढ़ें व केले की जड़ अपने पास रखिए। जहां तक करियर का प्रश्न है, जॉब का प्रश्न है, आपके एफर्ट्स, अप्रोच व लिंक बहुत काम आएंगे। 14 अप्रैल के बाद मनमानी और मनचाही प्रोग्रेस की संभावनाएं बढ़ सकती है। नया प्रोजेक्ट लाभ देगा, कुछ हर्डल्स जरूर आएंगे पर आप उसे हैंडल करने में कैपेबल हैं। अपनी इनकम का कुछ भाग ब्लाइंड स्कूल में डोनेट करना मत भूलिए। चाहे 100 रुपए ही डोनेट करिए, लेकिन जाइए
और देखिए वहां से आपको लाभ मिलना शुरू होने वाला है। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें 24 व 25 मार्च काठमांडू, 26 मार्च जनकपुर नेपाल। संपर्क करें 9779801032862। 27 मार्च गाजियाबाद, 28 मार्च जयपुर, 1 अप्रैल इंदौर, 2 अप्रैल उज्जैन, 3 अप्रैल भोपाल, 9 अप्रैल चंडीगढ़। संपर्क करें 02915190000, 9314728165। 31 मार्च व 13 से 15 अप्रैल मुंबई। संपर्क करें 9324272446, 9322377660। 7 व 8 और 12 अप्रैल दिल्ली। संपर्क करें 6542068 5, 6454625। 16 अप्रैल नागपुर। संपर्क करें 9371073487, 7722076953। 10 अप्रैल लुधियाना, 11 अप्रैल अमृतसर, 17 अप्रैल पुणे, 21 अप्रैल गुड़गांव, 21 अप्रैल गुड़गांव, 22 अप्रैल भुवनेश्वर, 23 अप्रैल जमशेदपुर। संपर्क करें 02951900000, 9314728165। 24 व 25 अप्रैल कोलकाता। संपर्क करें 9831602512। मकर राशि के लिए फैमिली और फ्रेंड्स का कैसा हाल है? देखिए 14 अप्रैल के बाद आपको पिता से बहुत अच्छा गिफ्ट मिल सकता है, आशीर्वाद या सलाह मिले वो भी बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, उनका मशवरा जिंदगी बदल सकता है। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, बच्चे पढ़ने में करियर की भागदौड़ में व्यस्त रहेंगे, पर माता पिता की पूरी परवाह भी आप कर रहे हैं, महीना आपका साथ दे रहा है, कोई ठंडी हवा के झोंके की तरह आपको बड़ा अच्छा एक लाभ मिल सकता है, उसका साथ काफी सुकून देगा, लव लाइफ में प्रोग्रेस, दूरियां मिटेंगी, हॉलीडेज मनाने आप नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जा सकते हैं, गरीब लड़के कन्यादान में मदद करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जानते हैं बिजनेस एंड बजट का क्या हाल रहेगा। देखिए व्यापार में लाभ के नए सौदे हाथ लगने वाले हैं, ज्यादा जल्दीबाजी ना करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से कुछ हद तक इस महीने बचना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस पर ध्यान दीजिए और ओवरसीज ट्रेड पर ध्यान दीजिए। श्री सूक्त का पाठ और अनाथालय में जरूरी सामान सेविंग का देने के लिए आप थोड़ी सी सेविंग करिए और जो सेव किया हुआ पैसा है उससे दान करिए, आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मजबूती बहुत अच्छी आने वाली है इस महीने। तो यह था मकर राशि वाले लोगों का अप्रैल 2017 का राशिफल। आइए अब जानते हैं अगर आपकी राशि कुंभ है तो कैसा रहेगा अप्रैल 2017 का राशिफल आपके लिए। सबसे पहले मैं बता दूं ग्राफ के बारे में जो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हेल्थ एंड वेल्थ 70% तक और एजुकेशन एंड करियर भी 60% तक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली का हाल भी 70% तक है, लेकिन बिजनेस एंड बजट सबसे कमजोर है। तो यह कमजोरी क्यों है इसे डिटेल में आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस महीने कुंभ राशि वाले लोगों की कुंडली कैसे बन रही है। इस वक्त की कुंडली आपके सामने देखिए, 11 नंबर की कुंडली लगन में केतु विराजमान है, सेकंड हाउस में सूर्य शुक्र है, जिसमें सूर्य जो है वो सेकंड हाउस को छोड़कर थर्ड हाउस में जाने वाला है उच्च की राशि में 14 अप्रैल को। वहीं मंगल और बुध थर्ड हाउस में, जिसमें मंगल अपनी राशि चेंज करेंगे 13 अप्रैल को, थर्ड से फोर्थ की तरफ आएंगे। और बिजनेस और पति पत्नी के घर में राहु विराजमान है, वहीं सिक्स हाउस में बृहस्पति और 11th हाउस में आपके शनि ग्रह विराजमान है। इसी से हमने बनाया आपका राशिफल। आइए सबसे पहले जानते हैं हेल्थ एंड वेल्थ का हाल। आपकी राशि कुंभ में विराजित केतु व राहु की सातवीं दृष्टि आपको मार्ग से भटका रही है, पुराने रोग आपको परेशान कर रहे हैं, रोग चोट दुर्घटना की संभावनाएं बन रही है और बढ़ भी रही है, पर लाभ भाव में गुरु की राशि में विराजित शनि की तीसरी दृष्टि सही राह पर लाने की कोशिश करेगी, अतः आप भी सावधानी व नियमित चेकअप व संतुलित दिनचर्या बरतें।
परेशानी से बच सकते हैं। धन भाव में विराजित उच्च राशि के शुक्र विशेष रूप से आपको लाभ देने वाले हैं, यानी धन योग बन रहे हैं। उस एट हाउस में गुरु की दृष्टि, देखिए बृहस्पति सिक्स एट हाउस विराजमान है 6 नंबर में, यहां पर जो दृष्टि है वो बड़ा लाभ देने वाली है। अतः वसीयत और कोई कुटुंबीजनों की कोई प्रॉपर्टीज का विवाद है वो सब ठीक होने वाला, दादा से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। उपहार में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से खुशहाली का महीना है, कोशिश करें कि शुक्रवार को कन्याओं को जो शादीशुदा नहीं है उनको कुछ गिफ्ट जरूर आपको देना चाहिए, फिर लाभ मिलेगा। एजुकेशन एंड करियर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर उनका फील्ड जो है वो प्रॉपर आपने चुना है या नहीं है, ये आपका कंफ्यूजन है। साथ में फ्रेंड सर्कल पर आपका ध्यान भटका रहा है, सोशल मीडिया आजकल ये सब कुछ बढ़ रहा है जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। बेहतर है कि एग्जाम तक यह सब बंद कर दें या उसे कम करिए, फोकस पूरा पढ़ाई पर करिए। पीले रूमाल में 5 हल्दी की गांठ बांधकर अपने पास रखिए और भ्रामरी प्राणायाम करिए। 13 अप्रैल के बाद करियर में प्रोग्रेस, कुछ अच्छे ऑफर आपको मिलने वाले हैं, इंटरव्यू कॉल आ सकता है। IIT व टूरिज्म फील्ड वालों की जॉब प्रॉफिट देने वाली रहेगी और अपग्रेड होने वाला है, अपग्रेडेशन के चांसेस बन रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को मनचाहा फायदा, गवर्नमेंट से टेंडर भी मिल सकता है। सूर्य नमस्कार करें, सौंफ और मिश्री का पैकेट बनाकर अपने पास रखिए और लोगों को खिलाइए बांटिए, चमत्कार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली का हाल जानते हैं। देखिए परिवार में कोई नया मेहमान आने वाला है, पूजा आदि का यानी मांगलिक कार्यों का आयोजन वो पार्टीज की तरफ आपका ध्यान बढ़ने वाला है, जिससे आपका रिलेशन और बढ़िया होगा। माताजी का सपोर्ट और आशीर्वाद पूरा मिलने वाला है। बहुत बिजी रहने वाले इस महीने, जीवन साथी से मतभेद बढ़ सकते हैं। बच्चे अपनी मस्ती में मस्त हैं, पढ़ने में कुछ कम ध्यान दे रहे हैं। फ्रेंड्स में ज्यादा उन्हें प्यार नजर आ रहा है। लव ट्राइंगल क्रिएट हो सकता है, कुछ बात छिपाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। बैठकर बातचीत से हल निकालिए, कुछ अपने फ्रेंड्स को अपने मन की बात बताइए, कुछ उनकी जानिए, माता पिता को इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। आपका बजट कुछ हद तक बिगड़ सकता है, सोच समझ कर चलना होगा, सोच समझ के खर्च करना होगा, तब ही लाभ मिल सकता है। अब आइए बात करते हैं बिजनेस एंड बजट की। देखिए व्यापार में आपको कुछ सब्र और इंतजार करना पड़ेगा, कभी लेबर प्रॉब्लम, कभी फंड तो कभी ऑर्डर ना मिला, ऑर्डर मिला तो एग्जीक्यूट ना कर पाना, जिससे पैसा हम मांग रहे हैं वो आ नहीं रहा है, जिसको हमें देना वो हमारे हम दे नहीं पा रहे, कमिटमेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। अतः घबराए नहीं, इस समय स्थायी संपत्ति, रेंटल, गेस्ट हाउस आदि से फायदा हो सकता है। किसी पुराने दोस्त की मदद आपको मिल सकती है। सेविंग पर ध्यान न देकर आपने जो गलती की है उसे न दोहराइए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करिए, कुछ फंड सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस महीने कमजोर रहेगा आपके लिए, तो बेहतर है कि सोच समझ के करिए। म्यूचुअल फंड व FDs में कुछ हद तक फायदा जरूर हो सकता है। साबुत फिटकरी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में रखें तथा अपाहिजों की यथाशक्ति मदद करिए और कुबेर यंत्र की स्थापना करिए, व्यापारिक स्थान में लाभ ही लाभ मिलने वाला है। तो यह था कुंभ राशि वाले लोगों का अप्रैल 2017 का राशिफल। अब बात करते हैं अगर आपकी राशि मीन है तो कैसा रहेगा अप्रैल 2017 का राशिफल, उसे मैं डिटेल में समझाऊं उससे पहले बता देता हूं इस महीने का जो ग्राफ है वो क्या कहता है। हेल्थ एंड वेल्थ देखिए 60% तक है। एजुकेशन एंड करियर का जो हाल है वो तकरीबन 50% कमजोर है। सबसे बढ़िया फैमिली एंड फ्रेंड्स का रहेगा, यानी इस महीने आप बहुत मौज मस्ती करने वाले हैं। बिजनेस और बजट पर पूरा ध्यान नहीं देने के कारण वो थोड़ा सा डावाडोल हो चुका है। आइए अब इसे डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मीन राशि वाले लोगों का राशिफल जानने से पहले देखते हैं कैसी बन रही है इस महीने आपकी कुंडली। ये देखिए 12 नंबर की कुंडली, लग्न में शुक्र विराजमान है, वो भी उच्च राशि के, सूर्य साथ में, लेकिन सूर्य ज्यादा साथ देने वाला नहीं है क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य चले जाएंगे धन भाव में, वो भी उच्च राशि के। वहीं मंगल और बुध सेकंड हाउस में रहेंगे, लेकिन मंगल भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, 13 अप्रैल को चले जाएंगे थर्ड हाउस में। परंतु सिक्स हाउस में राहु जो रोग ऋण और खर्चे का घर है, माफ करेगा, रोग ऋण और आपकी दुश्मनी का घर है। यहां पर 7th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, 10th हाउस में शनि विराजमान है और 12th हाउस में केतु विराजमान। इसी से तैयार किया आपने आपका राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ एंड वेल्थ की। यह महीना गुरु प्रधान महीना रहेगा, कारण देवताओं के गुरु बृहस्पति व देवक्यु, मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्र, दोनों शुभता लिए हुए हैं, एक दूसरे से सम सप्तक योग भी है और वो भी केंद्र में होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लग्न में विराजित उच्च राशि के शुक्र जहां आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान बढ़ाएंगे, तो लापरवाह भी कुछ हद तक बना सकते हैं।
खान पान पर नियंत्रण व नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। मीठे से परहेज करें। धन भाव में विराजित स्वयं की राशि के मंगल बुध क्रोध दे सकते हैं, पर प्रॉपर्टी में फायदा भी देंगे। किसी विडो स्त्री से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मंदिर में केले चढ़ाएं और प्याऊ लगवाने का काम करें तो और अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात करते हैं। फैमिली में रूठने और मनाने का सिलसिला जारी है। यहां पर सुखेश बनते हैं बुध, वो मंगल के साथ विराजित है। 13 अप्रैल के बाद तनाव में कुछ हद तक कमी आएगी। जीवन साथी का साथ सभी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा। उनकी सलाह आपके लिए रामबाण है। पेरेंट्स कुछ नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं। संतान सुख संतोषजनक है। उनकी जिद आपकी समझ से बाहर है। एक सीमा से ज्यादा समझौता न करें। ये जो समय है वो लव लाइफ के लिए कुछ हद तक सुकूनदायक माना जा सकता है। वीकेंड सेलिब्रेशन पर जाने की प्लानिंग रहेगी। आप फन के मूड में ज्यादा रहेंगे। घर में गायत्री हवन करवाइए तो और अच्छा रहेगा। गूगल धूप करना नहीं भूलें। बात करते हैं हमारे आखिरी दौर में मीन राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल में बिजनेस एंड बजट का हाल। आप बहुत लकी हैं इस महीने कि आपको ईमानदार व विश्वसनीय पार्टनर मिला, लेकिन आपके खुद की मूर्खता, बेवकूफी, गलत डिसीजन की वजह से डावाडोल बिजनेस हो सकता है। वाइफ के साथ बिजनेस प्लान कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए अच्छा समय है। ओवरसीज बिजनेस के लिए आपको केतु मदद करेंगे। वेट करना चाहिए कि बेहतर आपको लाभ मिल सके। गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ग्वार गम में भी पैसा लगाया जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको बेहतर रहेगा कि शनि से संबंधित काम किया जाए, कि वो 10th हाउस जो है वो आयरन, केमिकल्स, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज की तरफ आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो कर सकते हैं। कुछ उम्मीदें जगेगी और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वर्कर्स को खुश रखना जरूरी है। कोशिश करें कि गुरु के आश्रम में गाय दान करिए, श्वेतार्क गणपति की विधिवत पूजा करिए। लाभ ही लाभ बरसने वाला है। तो यह था मेष राशि से मीन राशि तक का सफर। अप्रैल 2017 में कैसा रहेगा आपका राशिफल। अगली बार मई के राशिफल के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। एक चीज और कि आप हमारे इन सारे वीडियोस को YouTube पर जाकर देख सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और जो वीडियोस है उनका लाभ आपको मिल सकता है, जानकारी मिल सकती है। फेसबुक से भी आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुख समृद्धि ऐश्वर्य चले आए आपकी द्वार। हर व्यक्ति के मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, उसके व्यवसायिक स्थल अथवा घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। यदि आपके परिवार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उन्नति न हो पा रही हो, आय की अपेक्षा व्यय अधिक बना रहता हो, रोग ने घर में पैर पसार लिए हो, कुल मिलाकर घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हानि, परेशानी व चिंताएं बनी रहना, इन सभी समस्याओं का निराकरण है संपूर्ण सुख समृद्धि किट। यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसायिक स्थल में स्थायी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर में स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित संपूर्ण सुख समृद्धि किट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-0266-25, 8955-89-6625.